फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी एक और नई ब्लॉग में, जिसमें आज मैं करने वाला हूँ कर्ड राइस। कर्ड राइस मे बी इट्स नॉट दैट फेमस इन नॉर्थ इंडिया, बट साउथ इंडिया में एज अ डाइजेस्टिव के तौर पे इसका इस्तेमाल करते हैं। और कैसे बनाएं क्विक कर्ड राइस एट होम, वेरी इजी रेसिपी फ्रॉम माय ब्लॉग। दोस्तों ये एक बहुत ही इजी रेसिपी है। आप लोगों के घर में राइस ज़्यादा पक जाता है या तो आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, जो भी राइस एक्स्ट्रा होता है उस राइस का एक झटपट तरीके से आप कर्ड डालने के बाद ये थोड़े स्पाइसेस जो मैं बताने वाला हूँ अब आगे ब्लॉग में, ध्यान रखें ये चीज़ें आप इस्तेमाल करते हुए बनाएं और आप बिलीव नहीं करेंगे क्या आपको मिलने वाला है, व्हाट अ टेस्ट, ये आप सीखेंगे मेरे ब्लॉग में। तो बने रहिए टिल द एंड ऑन माय ब्लॉग। ऑल्सो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो दोस्तों मेरे पास है राइस जो एक्स्ट्रा कुक हो गया तो बचा हुआ है, और साथ में मेरे पास है कर्ड, दूध, सॉल्ट और थोड़े से राई के दाने, करी पत्ता, जिंजर जिसको मैं चॉप करने वाला हूँ एंड ग्रीन चिलीज। इसके अलावा थोड़ा दाल और रेड चिली मैं इसमें इस्तेमाल करूँगा टेम्परिंग के लिए। सी कैसे इसको बनाते हैं प्रोसेस बाय प्रोसेस, स्टे ऑन द वीडियो। इसको डाल देंगे राइस के ऊपर, सॉल्ट टू टेस्ट, तो फ्रेंड्स अब ये जो जिंजर एंड ग्रीन चिली मैंने इसमें राइस पे डालना था दैट इज डन। अब वक्त है इसको टेम्पर्ड करने का, यानी कि तड़का जो जायका लगेगा उसमें, फिर जब टेम्पर्ड हो जाएगा आफ्टर दैट आई विल बी एडिंग कर्ड टू इट, और थोड़ा सा उसको मॉइस्ट ज़्यादा करने के लिए दूध भी हम इस्तेमाल करने वाले हैं। सो वॉच इट या
तो गाइज फाइनली द मोस्ट डाइजेस्टिव फूड आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू, और कर्ड राइस के नाम से जाना जाता है, आप भी बना सकते हैं। लेट मी टेस्ट इट अ स्पून। फ्लॉलेस, व्हाट अ टेस्ट। न इसमें अनियन है, न गार्लिक है, न कोई ऐसी तामसिक चीजें हैं इसमें यूज की गई हैं। नथिंग इज यूज्ड। टेस्टी, लुक्स वेरी नाइस। यू ऑल्सो डू इट एट होम और स्टे फिट, स्टे हेल्दी। बाय बाय, टेक केयर।